नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास वाणकार। आज हम फैक्टर्स कंट्रोलिंग मिनरल अवेलेबिलिटी में चर्चा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स कंट्रोलिंग जो है उसमें कौन कौन से कंट्रोल रहते हैं जो मिनरल्स अवेलेबिलिटी के ऊपर उसका डिपेंड करता है। नेक्स्ट में यहाँ देखते हैं, मिनरल कंसंट्रेशन इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। हाउ एवर, इवन इफ सच अ कंसंट्रेशन इज लोकेटेड एंड एक्सप्लोर्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्लॉयटेड टिल सेवरल क्रिटिकल फैक्टर्स आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो मिनरल्स तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास उसमें अर्थ में होते हैं बहुत सारे जगह, पर वो कुछ प्योर होते हैं, कुछ इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उससे बनने के कारण। और हाउ एवर, इवन इफ सच अ कॉन्सेंट्रेशन इज लोकेटेड एंड एक्सप्लोर्ड, और कुछ जो कंसंट्रेशन जो ऐसे लोकेटेड होते हैं जो जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं या नहीं, वो सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सप्लॉयटेड, और कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें उसको एक्सप्लॉयटेड अपन नहीं कर सकते टिल सेवरल क्रिटिकल फैक्टर्स। कुछ अलग अलग जो परिस्थितियाँ होती हैं जिसके कारण हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उसको वहाँ से निकाल नहीं सकते। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं उसके ऊपर हम आज पूरे इसमें देखेंगे, और वो अगर उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता तो फिर वो हमारे पास वो रिसोर्स होने के बाद भी हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। तो इसमें जो मेन फैक्टर्स होते हैं, द मेन फोर फैक्टर्स ऑफ कंट्रोलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स गिवन बाय सी एफ कैसलर इन 1994। तो कैसलर जो है उन्होंने 1994 में कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बताए हैं वो चार फैक्टर हैं, और एक इसके अलावा एक अदर फैक्टर्स भी हैं जिसे हम लास्ट में चर्चा करेंगे। और इसमें फर्स्ट नंबर है जियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जो जियोलॉजी के ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके कारण हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा सकते, जो मिनरल्स हैं, जो अवेलेबल मिनरल्स हैं उसको। सेकंड है यहाँ इंजीनियरिंग फैक्टर्स, यानी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी जो हैं जो एडवांस नहीं होते उनके कारण भी हम इसमें जो होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो एक्सप्लोर करने में। और थर्ड नंबर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये इन्वायरमेंट को अगर हम उसको नुकसान पहुंचाते हुए ये सब चीज़ें निकालें तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो ये भी एक तरीके से ये एक फैक्टर्स ही है जिसके कारण हम कुछ जगह से मिनरल नहीं एक्सप्लोर कर पाते। फोर्थ नंबर में देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब अब ये मेन जो प्रॉफिट से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में होते हैं। अब आगे हम इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करते जाएंगे, एक के बाद एक सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फैक्टर्स जो हैं हमको इसमें इम्पैक्ट जिसके कारण हमको इसके मिनरल एक्सप्लोर करने में होते हैं जो प्रॉब्लम्स। ऑल द मेटल्स कॉमनली एक्सप्लॉयटेड इन ओर डिपॉजिट्स, जितने भी जो मेटल होते हैं वो हम लोग को ओर डिपॉजिट जो होते हैं उससे मिलते हैं, आर फाउंड इन ऑल क्रिस्टल रॉक्स। जो क्रिस्टल रॉक्स होते हैं उन्हीं से ही हमको उनके बीच में ही ये सब ओर डिपॉजिट्स मिलते हैं, बट इन वेरी माइनट क्वांटिटीज, सच बहुत ही कम मात्रा में ये मिलते हैं उसमें रॉक्स में, जो रॉक्स के बीच में जो ओर डिपॉजिट्स होते हैं। सच क्रिस्टल अबंडेंस ऑफ मेटल्स बीइंग एक्सप्रेस्ड इन क्लार्क वैल्यूज, तो ये जो क्लार्क वैल्यू के हिसाब से अगर अपन बात करें जो उसका जो पिच रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ रॉक, अगर किसी रॉक में वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसका रेशियो टू एवरेज अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट,
तो वो उस अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में ही उसका जो एक रेशियो रहता है एवरेज अमाउंट जो, तो उनके बीच में ये एक रेशियो को ही अपन जो देखते हैं उसको क्लार्क वैल्यूज के नाम से जानते हैं, और यही उससे एक उसको नेक्स्ट फैक्टर ये जो है जिसपे अपन उसको देखते हैं कि कितना डिपॉजिट है क्या है। यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ देखते हैं कि जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और उसमें क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि वेरियस क्रिस्टल प्रोसेसेस लाइक मैग्मेटिज्म, मेटामॉर्फिज्म, सेडिमेंटेशन एट्सेट्रा ब्रिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच डिस्पर्स्ड मेटल्स इन क्रिस्टल रॉक्स इन स्पेसिफिक जियोलॉजिकल सेटिंग्स। तो ये कुछ जियोलॉजिकल सेटिंग्स होते हैं जिसमें ये जो अर्थ के क्रस्ट में जो होने वाले जो वेरियस प्रोसेसेस हैं जैसे मैग्मेटिज्म, वहाँ मैग्मा का उसका मूवमेंट जो होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। मेटामॉर्फिज्म, उसमें प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई होने के कारण उसमें कुछ मेटल या मिनरल्स डेवलप हो जाते हैं, और मिनरल्स सेडिमेंटेशंस के कारण उसके साथ ही साथ में वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ये सब कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग वेराइटीज़ हैं पूरे अलग, तो ये सब इन्हीं के जो जियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उसके कारण यहाँ पर उसके जो फैक्टर्स हैं, तो कुछ जगह में ये फैक्टर्स होंगे तभी वहाँ पर हम लोग को पर्टिकुलर उस कंडीशन में बनने वाले मिनरल्स या रॉक्स जो रॉक्स हैं उसके बीच में ट्रैप्ड मिनरल्स हम लोगों को मिलते हैं या फॉर्म्ड हो जाता है। और उसके लिए एक अगर अपन एग्जाम्पल में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अ कॉपर स्कर्न, कॉपर का जो स्कर्न डिपॉजिट है इज फाउंड ओनली वेयर अ फेल्सिक प्लूटॉन। ये जो कॉपर जो है स्कर्न डिपॉजिट से अगर अपन देखेंगे तो ये फेल्सिक प्लूटॉन, फेल्सिक रॉक्स मतलब सिलिका रिच जो रॉक्स होते हैं वैसे प्लूटॉन्स में हम लोगों को ये उसके साथ में मिलते हैं। तो इंट्रूडेड इन टू अ इम्प्योर लाइम स्टोन कंट्री और अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिफ्रेक्टरी कैनाइट, ये इंट्रूडेड फॉर्म पे मिलता है लाइम स्टोन के साथ। इम्प्योर लाइम स्टोन कंट्री और अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिफ्रेक्टरी कैनाइट। कॉपर स्कर्न डिपॉजिट इज फाउंड ओनली वेयर अ फेल्सिक प्लूटॉन। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका कॉपर स्कर्न डिपॉजिट जो है ये फेल्सिक प्लूटोन जो रॉक है उन्हीं के साथ प्योर फॉर्म में मिलता है लाइम स्टोन के साथ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिफ्रेक्टरी कैनाइट जो होता है रिफ्रेक्टरी में यूज होने वाले मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो यूज होते हैं जो कैनाइट ऐसा जो होता है वो वे केवल एल्यूमिनियम सेडिमेंट्स जो हैं वो रीजनल मेटामॉर्फिज्म के कारण अंडरग्राउंड जो है उसमें मिलते हैं, अंडरग्राउंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म में। तो दस जियोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले अ पैरामाउंट रोल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो यही सब इस तरीके के जो कंडीशंस हैं स्पेशल कंडीशन जिसमें वो और मिनरल या जो रिफ्रेक्टरी मिनरल्स हैं वो बनते हैं, तो ये दोनों तरीके के एक एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर ओर मिनरल्स के और रिफ्रेक्टिव मिनरल्स के, और उनका जो कंडीशन है वो जिस कंडीशन में बनते हैं वैसे में ही हमको मिलेंगे। तो ये एक कंडीशन है कि जियोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे इंजीनियरिंग फैक्टर्स। ये इंजीनियरिंग फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो हाउ एवर इवन इफ अ मिनरल डिपॉजिट इज आइडेंटिफाइड, तो हमको जैसे किसी एरिया में जो मिनरल डिपॉजिट जो है आइडेंटिफाइड तो है, इट मे नॉट बी वर्केबल और वो वर्केबल नहीं हो सकता अनलेस सर्टेन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड।
मतलब उसमें कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी टेक्नोलॉजी है, अगर वो उसके फिजिबल कंडीशन को हम उसमें उसके लायक मशीनरीज वगैरह नहीं है या कुछ भी, और उसके एक्सप्लोर करने लायक हम कंडीशन वहाँ जो मशीनरीज की नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वहाँ पर का जो एक्सप्लोर कर सकें किसी रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं उसके। एक सिंपल सा यहाँ एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर में अगर इसमें कुछ एग्जांपल्स में बात करें तो प्रेजेंट लेवल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग इज एडवांस्ड, कंट्रीज डज नॉट अलाउ डिपॉजिट टू बी वर्क एट द डेप्थ ग्रेटर देन अबाउट 4 किलोमीटर। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब अभी जो एडवांस जो इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर के डेप्थ तक के ही माइनिंग करने के लिए परमिट करता है, और वाइल द डिपॉजिट डीपेस्ट ऑयल वेल्स आर अबाउट 8 किलोमीटर लॉन्ग। और अगर ये जो ऑयल वेल्स होते हैं वो 8 किलोमीटर लॉन्ग तक के डेप्थ तक के वो नीचे होते हैं, तो ऐसे में जब 8 किलोमीटर तक का जो ऑयल फील्ड्स हैं उसको हम 4 किलोमीटर तक के ही बस ड्रिल करके उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कंडीशन है, एनी रिसोर्सेज बियॉन्ड दिस लिमिट इज अनअवेलेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन, सम ऑफ दिस इंजीनियरिंग कॉन्सेंट्रेट्स आर आल्सो क्लोजली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो कुल मिला के ये अगर जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो फिर जो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब वहाँ पर जो लागत है पैसे लगने हैं वो कुछ ज़्यादा लग जाते हैं, तो वो प्रॉफिट से ज़्यादा अगर लॉस करके हम उसको एक्सप्लोर करें तो ये एक फैक्टर्स है जिसमें हम यानी करीब करीब ये इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, उसके कारण इसको फिजिबल नहीं माना नहीं निकाला जा सकता, फिजिबिलिटी इसकी कम है। नेक्स्ट में देखते हैं इसी का कंटिन्यू है इंजीनियरिंग फैक्टर्स में, सेकंड एग्जांपल में अगर बात करें द कोलार गोल्ड माइन जो चैम्पियन रिफ में मिलते हैं, जो कोलार गोल्ड कर्नाटका के, क्लोज्ड डाउन बिकॉज वो बंद हो चुके हैं करीब करीब, लेकिन अभी अब प्रेजेंट में अभी फिर ओपन होने की बातें पिछले साल आई हैं कि कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी अभी आ चुके हैं तो उसके कारण फिर से रीओपन हुआ है। पर ये ओल्ड एग्जाम्पल अगर अपन ये देखें तो जो कोलार गोल्ड माइन है वो क्लोज डाउन हो चुका था, ऑल दो पॉसिबल इट वॉज नॉट इकोनॉमिकली वीएबल टू माइन एट डेप्थ ऑफ 11,000 फीट। 11,000 फीट तक के जो वहाँ ह्यूज एक्सपेंसेस वॉज बॉर्न फॉर एयर कंडीशनिंग ऑफ द माइन्स, मतलब जब जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर राइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं, तो वहाँ जो वेंटिलेशन या एयर कंडीशन सिस्टम होते हैं वो जितने डेप्थ में प्रोवाइड करना होगा, इससे ये इकोनॉमिकली वहाँ तक के वो उसको सप्लाई नहीं कर पाते, जिसके कारण यहाँ पर एक जो कोलार गोल्ड माइन था वो उसको क्लोज करना पड़ा। थर्ड में अपन देखेंगे एट टाइम्स मिनरल टेक्नोलॉजी आल्सो डज नॉट अलाउ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ नोन रिसोर्स, फॉर एग्जांपल द लार्ज लेड जिंक सल्फाइड डिपॉजिट्स एट मैक आर्थर रिवर इन ऑस्ट्रेलिया कुड नॉट बी माइंड फॉर सेवरल ईयर्स। अब यहाँ जो जो ऑस्ट्रेलिया के मैक आर्थर रिवर के पास में जो लेड जिंक के जो डिपॉजिट्स हैं तो वो भी यहाँ पर उसको माइन नहीं किया जा रहा है क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं अगर कहें तो सेवरल इयर्स कुछ सालों से, बिकॉज द फाइन ग्रेन ओर वाज नॉट अमेबल टू बेनिफिशिएशन, अगर उसके ग्रेन साइज बहुत छोटे हो तो उसको हम यूज नहीं कर पाते, एंड हेंस एन ओर कंसंट्रेशन फॉर स्मेल्टिंग कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ये आपको जैसे बीएसपी में अगर जाएंगे भिलाई स्टील प्लांट में तो वहाँ जो ब्लास्ट फर्नेस होता है तो वहाँ एक एक साइज मंगा जाता है, बोल्डर साइज लंप साइज के जो
ओर्स होते हैं वो ही वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसको वो स्मेल्ट करके उसके फिर जो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पर। यहाँ क्या होता है कि अगर उसमें अगर अब छोटे साइज के ग्रेन साइज वाले जो ओर्स जो हैं, ओर मिनरल्स हैं, वो प्रोवाइड कर देंगे तो वो वहाँ पर यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि उस प्रेशर जो टेम्परेचर वहाँ रेज करते हैं उसमें वो अच्छे से उसमें यानी उसका क्वालिटी जो है वो सही नहीं रहता। तो इस तरीके से वो साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसके कारण उसको कोई लेने वाला नहीं होगा तो फिर उसका माइन करना बेकार है, जबकि वहाँ पर लेड और जिंक के क्वांटिटीज अच्छे से हैं। तो वो जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पर ये स्मेल्ट किया जाता है तो उनको जो रिक्वायरमेंट साइज है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, अगर वो उस साइज के ना हो तो फिर वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशंस भी आते हैं जो अगर उसको डस्ट पार्टिकल अगर ज़्यादा बन जाएगा, अगर उसको माइन करते हैं उस समय, तो फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। यानी उसको हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके साइज जो है वो बड़े से बड़े साइज के और मिनरल्स जो हो। नेक्स्ट में देखेंगे थर्ड नंबर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले एन इक्वली वाइटल रोल। ये इन्वायरमेंट जो है वो भी एक बहुत ही वाइटल रोल यहाँ पर इसमें होता है, इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नोन रिसोर्सेज। यहाँ पर हमको मालूम है कि किस जगह में जो रिसोर्स है, जो मिनरल्स वहाँ पर हैं डिपॉजिट, पर फिर भी हम उस जगह में कुछ भी वर्क नहीं कर पाते, बिकॉज वहाँ का जो इन्वायरमेंट जो कंडीशंस हैं और कुछ परमिशन होते हैं गवर्नमेंट से या फिर उस इन्वायरमेंटल एरिया के, जिसको न मिलने के कारण हम उसको वर्किंग इस कंडीशन में नहीं ला सकते उस माइन को। अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम हैज़ बीन लोकेटेड एट एक्सप्लोर्ड इन रिसेंट ईयर्स इन द लंभापुर एरिया ऑफ श्री सैलम। तो ये लंबापुर एरिया जो श्री सैलम के एरिया में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोनों के पास में ही मिलेगा। बट विल दिस डिपॉजिट बी गिवन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर माइनिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सिंस इट इज लोकेटेड विद इन द राजीव गांधी टाइगर रिजर्व। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ टाइगर रिजर्व है, और हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखें और इंडिया में देखें तो टाइगर्स की जो नंबर बहुत ही कम है, और उस जगह में ये टाइगर रिजर्व होने के कारण उस जगह में अगर माइंस स्टार्ट कर दें तो ये टाइगर्स जो है वहाँ रहते हैं वो भी वहाँ से चले जाएंगे, या हो सकते हैं उनका डेथ हो जाए इसके पॉल्यूशन से या इनके साउंड से, वो वहाँ से दूर कहीं चले जाएँ और हो सकते हैं ये किसी बस्ती में या किसी जो अर्बन एरिया में आ जाए और जिसके कारण ये मर सकते हैं, या पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी ये इन्वायरमेंट जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट जो है, तो वो ये परमिशन ही नहीं देते कि इस जगह पे कोई माइन स्टार्ट किया जा सके। तो ऐसे में भी ये फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक जो रोल है जो इसको ये एक प्रतिबंध लगा के रखती है कि इस जगह पे हमको माइन नहीं कर सकते। इसके लिए इफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज असेस्ड टू बी हाई, अ गुड नोन रिसोर्सेज मे नॉट बी अलाउड टू बी एक्सप्लॉयटेड बाई माइनिंग। तो अच्छे क्वालिटी के भी वहाँ रिसोर्स होने के बाद भी उसे एक्सप्लॉयटेड नहीं किया जा सकता किसी माइनिंग करके। नेक्स्ट में फिर देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। ये इकोनॉमिक फैक्टर सबसे मेन फैक्टर होता है, जैसे कि अपन जानते हैं कि जो जितने भी वर्क हैं, जितने भी चीज़ें हैं, ये मेन इकोनॉमिक के ऊपर ही डिपेंड करता है। जहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा उस जगह में लोग कोई भी काम करने से पीछे ही हटते हैं। तो ये एक ऐसा कंडीशन है, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्ले द मोस्ट क्रूशियल रोल इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ रिसोर्स। ये सबसे मेन जो कंडीशन अगर अगर बात करें तो ये रिसोर्स है। यहाँ पर इंजीनियरिंग का भी अपन बात करते थे तो वहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट्स को रन करने का अगर खर्च ज़्यादा है तो भी यहाँ वही कंडीशन आ गया इकोनॉमिक का। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि प्रॉफिट
रिमेन्स द मेजर रीजन फॉर माइनिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्स। तो कुल मिला के हम जो प्रॉफिट ही मेन जो कंडीशन है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, तो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा जो कंडीशन है, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो होते हैं जो युद्ध के लिए यूज होता है, जो लड़ाई के समय में जैसे यूरेनियम है और जो इस टाइप से जो स्ट्रेटेजिक मिनरल है उसमें ही ये इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम लोग छोड़ कर चलते हैं, बाकी सारे चीज़ों में अगर वो प्रॉफिट नहीं होता तो उसको नहीं किया जाता। तो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में अपन जो देखें तो क्या क्या कुछ जो मिनरल्स हैं जो जैसे जो वार वगैरह में जो यूज होने वाले मिनरल्स हैं, जैसे अगर मॉलिब्डेनम जो हो चुका, यूरेनियम्स हैं जो परमाणु हथियार बनाने के लिए यूज़ होते हैं, एनर्जी के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो ऐसे जो मिनरल्स हैं उसको यहाँ पर छोड़ करके उसका इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग नहीं देखते। तो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स विच कैन बी माइंड विदाउट कंसिडरिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी सच एज वार। तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में जब लड़ाई के समय में, युद्ध के समय में, जैसे अभी अब करंट में जो चाइना और इंडिया के बीच में जो चल रहे हैं, ऐसे समय में अगर कुछ वेपन्स बनाना हो, मिसाइल्स बनाने हो, और हमारे पास वो इकोनॉमिकली वो ज़्यादा खर्च भी बैठ रहा हो, लेकिन हमको अपने देश को बचाना है उस समय में, वो भले लॉस में चले जाएं लेकिन उस वेपन्स को बना के फिर उस युद्ध के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे में इकोनॉमिक को छोड़ के बाकी सारे जो कंडीशन है जो, वैसे में इसे देखा जाता है। इसके अलावा भी और भी अदर इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक ही कह सकते हैं इसमें कुछ और उसके टाइप्स हैं समझो, तो ये क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। इन अ फ्री इकोनॉमी, अगर इकोनॉमिक से तो हम उससे थोड़ा हट के बात करें, तो द कॉस्ट ऑफ मिनरल प्रोडक्शन विल रेगुलेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके जो जो प्राइस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट के जो रेगुलेट करना है उसको, तो अलग अलग प्राइजेज अलग अलग इन जो माइन से निकले हुए जो मटेरियल्स हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। इवन फॉर अ गुड डिपॉजिट विथ हाई ग्रेड एंड रिजर्व, और ये बहुत ही अच्छा डिपॉजिट होने के बाद भी अगर उसका रेट बहुत ही कम है, बहुत अधिक प्रोडक्शन हो रहा है और कई जगह से भी मिल रहे हैं, तो भी ये ऐसा फैक्टर्स है कि जिसके कारण इसको हम लोग वो अच्छा क्वालिटी का होने के बाद भी इसको माइन नहीं करते। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, और उसका जो एक्सट्रैक्ट करने में जो कॉस्ट है वो बेनिफिशिएशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू हाई, तो उसको निकाल तो लेंगे आसानी से लेकिन उसका कीमत उतना ज़्यादा नहीं है जब अपन उसको बेचने वाले हों, और उसका जो जितना एक्सट्रैक्ट करने के बाद बेनिफिशिएशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से उसको अगर देखें तो फिर वो हाई होने के कारण उसको फिर हम वहीं ड्रॉप कर दिया जाता है कि इसका एक्सप्लॉइट नहीं क्लेम करेंगे। इट मे नॉट बी अमेबल टू माइनिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो उसको नहीं यूज़ करेंगे। जैसे अपन सिंपल अगर इसमें बात करें, जैसे कई कई बार जो देखते हैं कि अपन ऑनियन वगैरह प्याज की जो रेट है बहुत बढ़ जाती है, तो कभी कभी ऐसा कंडीशन भी होता है कि कुछ कुछ किसान पूरे रोड में फेंक के चले जाते हैं टमाटर या इसको, तो जब उसका कास्ट ही नहीं है मार्केट में तो उसको निकाल के इस तरीके से माइन जो और मिनरल्स हैं उसके ऊपर भी इस टाइप से कभी कंडीशन आ जाते हैं जिसका अगर मार्केट में प्राइस नहीं है और उसको निकालने में ज़्यादा खर्च आ रहे हैं तो वो उसका माइनिंग फिर वहाँ स्टॉप कर दिया जाता है। वेन इट माइट बी चीपर फॉर अ कंट्री टू इम्पोर्ट दैट मेटल फ्रॉम अब्रॉड, ऐसे कंडीशन में उसको निकालने से अच्छा अगर किसी कंट्री में सस्ते में मिल रहा है तो उसको इम्पोर्ट कर लो, तो इस टाइप से उसमें एक अल्टरनेटिव जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बात करते हैं वहाँ पर इस टाइप से यूज हो जाते हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रोलिंग द प्राइस इज डिमांड एंड सप्लाई,
एक और इसका एक फैक्टर्स अगर अपन बात करें जो अदर फैक्टर्स में, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस जो है वो उसमें कम ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है, और उसका डिमांड अगर कम है तो भी उसके सप्लाई में फिर उसका भी रेट जो है वो भी डिपेंड करता है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर, डिमांड और सप्लाई दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि माइनिंग उसको करें कि नहीं करें। जैसे डिमांड फॉर अ मेटल में चेंज ओवर अ शॉर्ट पीरियड, तो किसी मेटल का जो डिमांड का जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड में ही चेंज वेंज हो रहा है ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ स्टॉक पाइलिंग रिसाइकलिंग, तो एज वेल एज द सब्स्टिट्यूशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो ऐसे कंडीशन में फिर ये क्या हो जाता है कि उसमें भी एक फैक्टर्स ये है कि उसके एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। मतलब जैसे अपन देख सकते हैं कि अगर हम कुछ स्टील या लोहे के जो बर्तन हैं, जैसे पीतल के बर्तन थे, पीतल ब्रास है, इनसे बनने वाले जो जो अप्लाइंसेस है, जो किचन अप्लाइंसेस, जो किचन में यूज़ होने वाले बर्तन, वो पहले के समय में बनते थे, लेकिन उसी समय पे क्या हो गया कि एक स्टील के बर्तन और ये सब आ गए, तो उनका रेट ज़्यादा होता पीतल का, अरे तो वो स्टील में फिर सभी जाने लग गए, और इसके कारण ये जो है इसका यूज़ होना कम हो गया। सेम वैसे ही फिर ये बाद में स्टील के बाद ये प्लास्टिक और फाइबर्स वगैरह के जो प्लेट्स हम अपन देखते हैं कि कुछ पार्टीज वगैरह में फाइबर प्लेट्स यूज़ होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो उसका चेंज हो जाने के कारण उस, तो वो एक कंडीशन है जिसके कारण ये जो जिस पहले जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसका एक्सप्लोर करना वो उतना इकोनॉमिकली नहीं रहेगा फिर। सेम वैसे ही कुछ और है, रिसाइकलिंग है, जैसे अपन स्टील का यूज़ करते हैं, आयरन का, लोहे का, तो जो हमारे पास जो लोहे की चीज़ें हैं उसको अपन बेच देते हैं कबाड़ी वालों को, और वही चीज़ें जो है फिर से जंक डीलर के पास है वो जाके रिसाइकल हो जाता है और रीप्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये जब रिसाइकलिंग में ही हम लोगों को फिर से वापस वो यानी प्योर फॉर्म में हम लोग को जो वो मटेरियल्स मिल जा रहे हैं जिसको हम लोग माइन से जैसे इंडस्ट्री में स्मेल्टिंग करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो रिसाइकलिंग से ही जब बात बनने लग जाए तो उसको माइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा रिसाइकलिंग कंडीशन है, सब्स्टिट्यूशंस है, जैसे अपन अभी बात किए कि स्टील और जो ब्रास है इनका यूज़ ना करके अपन क्या करते हैं प्लास्टिक का यूज़ करने लग गए, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गए उसके, तो उनके यूज़ होने के कारण भी फिर यहाँ पर वो इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स एक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और कुछ नया टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण उसको पुरानी चीज़ों को फिर उसमें छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ये अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि एक यहाँ पर ये पूरे माइनिंग का जो एक उसका ये इसमें अपन देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स जो है मिनरल अवेलेबिलिटी के ऊपर कंट्रोल करता है, ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। थैंक यू।